बस बहुत सारे तो बंदे ऑल में बिल्कुल चिल्ला रहे थे कि भाई लेजिट भाई आए हैं हमारे गेम में नोवो में, और चैलेंज कर रहे थे भाई नोवा नोवा, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया और मेरा माइक जो था ऑल में नहीं था, पर मेरा जो सैटरडे यानी टीममेट है वो बोल रहा था कि लेजेंड आया हमारे गेम में, जो कि बिलेक क्लैन के लीडर हैं और जिसका मेंबर मैं भी हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, आए होंगे तो भाई मिलेंगे और पेलेंगे। तो उससे पहले भाई हमें यहाँ उतरते ही मिल जाती है एकेएम, और चारों तरफ बंदे हैं, ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं सब कहीं बंदे उछल रहे हैं, पर फिलहाल अभी एक बंदा निहत्ता भाग रहा है जिसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे, रैंक पुश करेंगे और केडी प्लस करेंगे। भाई इसको ठोकने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई इसको मार दिया है बिल्कुल निहत्ता, पर इसका टीममेट जो कि बचा हुआ है और अभी वो लूटने आएगा अपने टीममेट का बदला लेने। पर उससे पहले भाई हमें लगता है कि भाई इस तरफ जाने से अच्छा है कि हम आगे की तरफ जाएं, क्योंकि अभी किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई अभी तक उसका टीममेट नहीं मिला, लेकिन यहां पे हमने मिस्टर फेक डायनेमो को पेल दिया है। पर डायनेमो भैया को पेलने के बाद हम बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, जहां पे हमें अभी एक उछलता कूदता यहाँ पे बंदर नजर आएगा जिसको हम इजीली स्पॉट करके मारेंगे। भाई शेल शोल को हमने नॉक कर दिया है फिलहाल। वो इसी का बंदा था जिसको भी हमने नॉक करा था, और यहां पे ये पूरी की पूरी टीम फिनिश हो जाती है। फिलहाल अभी हमारे पास आ चुकी है M4, जो कि भाई मेरी फेवरेट गन है और आपकी भी फेवरेट गन होगी, पर अभी मेरे पास एमओ नहीं है, जो कि मैं अभी मैं यहाँ पे टीममेट से लेने वाला हूँ। और फिलहाल अभी यहाँ पे हमें 30 एमओ मिल जाती है। तभी पता चलता है कि भाई आगे कुछ और बंदे हैं जिनको पेला जाए और उनके साथ मजे लिए जाए। पर मुझे तो भाई इंतजार है लेजिट भाई का, अगर वो हमारे गेम में आए तो हमें जरूर मिलेंगे, और अगर नहीं भी मिले तो अगर आप चाहते हो कि भाई लेजिट भाई के साथ 1v1 देखना, तो इस गेम प्ले के देखने के बाद हमने लेजिट भाई के साथ 1v1 करा हुआ है TDM में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तब आपको ऑटोमेटिकली स्क्रीन पर नजर आएगा। पर उससे पहले हम इन बंदों को पेलेंगे जाके। भाई पीछे की तरफ मेरा टीममेट देता है कि भाई यहाँ पे एनिमी है, पर अभी यहाँ पे कोई भी एनिमी नजर नहीं आ रहा है। Marked a location. गाइस ये सिमरन मिश्रा, ये उसी की मतलब एनिमीज अहेड, ये उसी की टीममेट थी जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले मारा था। सिमरन मिश्रा को हमने मार के इनको भेज दिया लॉबी, पर फिलहाल के लिए अभी हमें वहां से टीम बुला रही है जो कि भाई फाइट ले रही है, जिन्होंने एक टीम निपटा दी जो कि थोड़ी सी खुकार टीम होती जिससे भी हम फाइट लेने वाले हैं। भाई आयुष भाई को हमने पेल दिया है, और अब जो मेरा फ्लैंक देखोगे ना, कभी भी किसी भी बंदे को नॉक करना है, और अगर आप रैंक पुश कर रहे हो तो आपको भाई बहुत ही सेफली फाइट लेनी चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे सेफली फाइट ले रहा हूँ। रैंक पुश कर रहे हो और केडी बढ़ाना है तो भाई ऐसे फ्लैंक मारा करो जैसे अभी मैंने यहाँ से मारा है। देखा किस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरा फायदा उठाया, उसे लग रहा था कि मैं सामने से आऊंगा और एक बंदा मैंने अपना सामने से भेजा जिससे मैंने उसका ध्यान कंफ्यूज करा। और अगर आप एंगल बदल बदल के कभी भी एनिमी को डाउन करोगे या मारोगे तो आप हमेशा जो आपका फ्लैंक रहेगा वो सक्सेसफुल रहेगा और आप इजीली बंदों को डाउन करोगे। तो फिलहाल भी मेरे को फेवरेट 6x और मेरी M4 जो कि मिल चुकी है। किसका फेवरेट 6x, कौन कौन बंदा 3x बना के चलाता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डैमेज हुआ था जो कि मैं अभी यहाँ पर हीलिंग कर रहा हूँ। और हमेशा याद रखा करो, कभी भी रैंक पुश करते हो या फ्लैंक करते हो तो भाई हमेशा डायरेक्टली मत जाया करो, इनडायरेक्टली फाइट लिया करो, यानी बंदों को उल्टी सीधी तरीके से मारा करो। और अभी मैं हीलिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे से एक बंदा आ जाएगा जो कि मेरा टीममेट कॉल दे रहा है। जा जा जा
भाई इसको तो इतना गंदा मारा, मेरा टीममेट इससे मजे ले रहा था, हेलो 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 करे, क्योंकि ये शील्ड शॉल की मतलब दो टीम्स हमने मार दिया है, शायद एक टीम पिछली बार पहले मारी थी शील्ड शॉल की, अब दोबारा से वही टीम का बंदा हमने पेल दिया। और जाते समय ये मुझे बोट नजर आ जाता है जिसको मार के भैया अपने केडी बढ़ाएंगे और आराम से इंजॉय करेंगे। भाई कौन कौन बंदा बोटों के लिए लड़ता है अपने दोस्तों से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपकी टीम में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो बोटों के लिए लड़ता है, यानी बोटों के लिए। भाई यहाँ पे ये बंदा मुझे नहीं पता कि ये बंदा था या बोट था, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। इसका नाम परवीन था और इसको इजीली मार दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बोट है, पर जैसे ही बढ़ा इसने काफ़ी अच्छा खासा मुझे डैमेज दिया और मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ले ली। और यहाँ पे मैंने इसको लूट करने के बाद हमने डिसाइड करा कि भाई यहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा लूट कर लिया है, अब कहीं और देखा जाए और कहीं और निकला जाए कहीं और किल्स की। और आप देख सकते हैं भाई हमने 12 किल कर दिए हैं और नोवो के अंदर हमें 12 किल मिल चुके हैं, तो आप सोचो कि अभी ज़्यादा ज़्यादा हमें रास्ते में कितने ज़्यादा किल्स मिलने वाले हैं। तभी हम लोग डिवाइड हो जाते हैं, तभी मेरा टीममेट रास्ते में जाता हुआ है, उसको एक टीम नज़र आती है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर फाइट लेती है, दो टीम से यहाँ पर अलाइव होती है, एक टीम खत्म हो जाती है जिसको अभी हम मारेंगे। गाइस उसको थोड़ा सा डैमेज दिया और वो पूरा का पूरा किसी और बंदे ने फिनिश कर दिया। और फिलहाल के लिए अभी वहाँ पे एक टीम बची है जिसको अभी हम जाके घुस के मारने वाले हैं, क्योंकि धैर्य की सीमा हो चुकी है पार और हमारा जिसने भी किल चोरी करा है उसका बदला हम घुस के लेंगे। भाई डेंजर को भैया को पेल दिया है और अभी हमें लग रहा था यहाँ पे बहुत सारे बंदे, जिससे अभी हम स्मोक कर रहे हैं, डरे हुए हैं क्योंकि अभी हमें लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता है बंदों की। और अभी भी एक बंदा अलाइव है मुझे पक्का पता है कंफर्म, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि भैया है तो है कहाँ आखिरकार, और वो मिलने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं झाड़े झुड़े में सांप बन के लेटा हुआ है। पर मेरा दिल कह रहा था कि भाई वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है जिसको मार के मैं अपना किल ले सकता हूँ और केडी बढ़ा सकता हूँ और भैया रैंक पुश कर सकता हूँ। और रहा ये भाई, हमने इनको भी दिया है पेल और अब जाके इनको मारा, और अब भाई हम लोग लूटेंगे फर्स्ट क्लास, जैसा कि तुम्हें पता है कि भाई पूरी लूट हो या ना हो अभी हम लोग बैग अपना भरते हैं। तो मेरा टीममेट जो होता है अभी जब यहाँ पे हम आ जाते हैं लूट करके, तो मेरा जो टीममेट है वो कहता बंदे हैं, तो मैं डायरेक्टली बिना सोचे रश कर देता हूँ, और जो मेरे साथ हाल हो रहा है ना भाई वो देखो भाई, वो बंदा डीपी चला रहा था, अगर वो चाहता भाई अगर मेरा हेड वेड लग जाता ना तो मैं वहीं पे नॉक था और वहीं पे गिर जाता। तो तभी कहते कभी भी फाइट लो डायरेक्टली मत लो, इनडायरेक्टली लो। अब मेरा जो टीममेट है सैटरडे वो ऑलरेडी वहाँ पर जाके घुस चुका है और उसको बंदों ने लिया है घेर, कोई नेट कर रहा है कोई मॉली कर रहा है उसके ऊपर, तो वो मुझे कॉल दे रहा भाई मेरे को जल्दी से आके बचा ले नहीं तो मेरी जो है रैंक माइनस हो जाएगी। तो मैंने डिसाइड करा भाई एक मिनट रुक जा, क्योंकि देखो जो आपकी हीलिंग रहती है ना हेल्थ बार उसको फुल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब भाई एक बंदे को उसने डाउन कर दिया, अब बचे वहाँ पे एक बंदा, लेकिन फिलहाल जो अब यहाँ पे फाइट होगी देना कितने सडनली मैं 3-4 बंदे यहाँ पे खाने वाला हूँ। भाई सुखवीर और संदीप को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया, क्योंकि इसका टीममेट आगे रश करने के बारे में हम पे सोच रहा था, पर उन्हें क्या पता यहाँ खतरनाक प्लेयर्स आ चुके हैं, डीमैक्स भाई और मेरा दोस्त सैटरडे, तो उनको दिया हमने पेल। अब भाई 17 किल्स हो चुके हैं तुम्हारे भाई के, पर अभी जो यहाँ पे स्कैम होने वाला है ना सडनली दो बंदों के साथ, वो देखने लायक है। और लास्ट जोन हो चुका है बिल्कुल, आप देख सकते हैं अगर हम थोड़ी सी भी जोन के बाहर रहे थोड़ी देर तो हम और यहाँ पे पिघलने वाले हैं।
तो मेरा सैटरडे जो टीममेट है, मैं कहता हूँ भाई तू चला, मैं बैठूंगा, बंदे मारूंगा। दो भाई भाई, ये बंदे का स्वैग आप देख सकते हैं कि बंदा ओम चला रहा था। अगर लग जाती ना हेड वेड पे या कहीं बॉडी वॉडी पे तो भाई डायरेक्टली नॉक होने थे और यहाँ पे लेने के देने पड़ जाते। तो फिलहाल के अभी भाई यहाँ पे 7 बंदे बचे हैं और हमारे हो चुके हैं 19 किल। कौन कौन सोच रहा है कि भाई ये मैच चिकन डिनर हो पाएगा या नहीं, कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को रोक के कमेंट करो। आपका इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का मुझे। और यहाँ पे भाई हमेशा जब भी लूटते हो ओपन में, अभी भी ये मत सोचा करो कि भाई ऑल डेड है, हमेशा स्मोक करके लूटा करो। और अब अभी हम आ चुके हैं ब्रिज के ऊपर। ब्रिज के ऊपर कभी भी जाते हो भाई, आगे हमेशा कैंप होता है लास्ट जोन के अंदर। तो जो मेरा टीममेट कॉल देता है कि भाई ऊपर चेक कर लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है बंदे ऊपर लेफ्ट राइट में बैठ जाते हैं और आप आगे देखते हैं वो आपको धर लेंगे और आपको पेल देंगे। तो हमेशा याद रखना कि भाई ऊपर नीचे दाया भाई जब भी जाते हो ब्रिज के ऊपर चेक करा करो। और कभी भी ब्रिज क्रॉस करते हो ना, हमेशा स्मोक का यूज़ करा करो अगर आप रैंक पुश कर रहे हो, जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ। तो मैंने स्मोक कर दिया यहाँ पे और हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं कहीं पे बंदे तो नहीं है जो हमें मार सकते, क्योंकि भाई रैंक माइनस होती है ना तो बड़ा बुरा लगता है। उसी साइड चलिए क्या करने से जोन आ गया। अब भाई जो यहाँ पे देखना एक बंदा कैसे कैम करके बैठा हुआ है, तभी मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी निकलते हो स्मोक करके निकला करो, क्योंकि स्मोक से आपको वॉल मिल जाती है। और यहाँ पे देखो भाई ये बंदा कैसे बैठा हुआ है, इसको होश ही नहीं है, पता नहीं कौन सा नशा करके बैठा है, कौन सा गांजा पी के बैठा है, इसे पता ही नहीं कि भाई यहाँ पे बंदे आ चुके हैं। भाई इसको हम थोड़ा ट्रॉल कर रहे थे, तभी इसका बंदा जाता है और मेरा दोस्त बोलता है कवर दे, लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं भाई मैं ही मारूंगा इसको, मैं ही मारूंगा, तुम्हारा भाई मारेगा। और यहाँ पे भाई बच्चे हैं 2 बंदे, क्या लास्ट में लेजिट मिलेगा, क्या कुछ होगा यहाँ पे भाई, वो तो आपको वीडियो में देखने को ही मिलेगा। और ऑल में जो बंदे बोल रहे थे लेजिट भाई ऐसा हो सकता है कि भाई वो बंदा लेजिट जो अपने हमारे क्लैन का लीडर है, वो क्या पता बीच में मर गया हो। तो फिलहाल मैंने लास्ट तक सरवाइव करा इसलिए कि क्या पता हम लोगों को लेजिट भाई मिले और उनसे मुलाकात हो हमारी, पर शायद वो हमें यहाँ नहीं मिलने वाले। तभी हम डिसाइड करते कि भाई एक बार घरों में चेक करा जाए, क्या पता वो 2 बंदे इन घरों में ही बैठे हों और उनमें से एक लेजिट भी हो। भाई हम चारों तरफ अपनी निगाहों से देख रहे होते हैं कि भाई कहाँ पे कोई बंदा हमें मिल जाए, कहाँ पे हमें कोई बंदा मिल जाए। फिलहाल अभी मेरा दोस्त बोलता है संभल के भाई, यहाँ पे भी शेख में ही बंदा है और यहाँ पे ही बंदा है, तो मैं समझ जाता हूँ ये जो बेचारा बंदा होता है रिवाइव नॉक हो जाता है जोन के अंदर। भाई मशीन गन के आगे नोविदा को मार दिया भाई, लेकिन हमें लेजिट भाई नहीं मिले। पर कोई ना, अगर आप लोग लेजेंड भाई के साथ 1v1 देखना चाहते हो TDM में, तो भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या वीडियो के स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी और वीडियोज़ देखते रहे। चैनल पर नए होना मेरे भाई तो सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना।